नमस्ते, मेरा नाम डेविड है और आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। कैप्टन कूल के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं। 2019 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार के बाद से धोनी ने क्रिकेट नहीं खेला है। टीम में उनकी वापसी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में धोनी उस वक्त रन आउट हो गए थे जब टीम की सारी उम्मीदें उनके ऊपर टिकी थी। उनके आउट होते ही टीम इंडिया का तीसरा वर्ल्ड कप जीतने का सपना दूर हो गया था। रन आउट होने के बाद धोनी क्या सोच रहे थे, ये सवाल हम सब के मन में होगा। अब इसका जवाब मिल गया है। ये बात खुद एमएस धोनी ने बताई। इंडिया टुडे के खेल पत्रकार बोरिया मजुमदार से मुलाकात में धोनी ने बताया कि उन्हें उस वक्त रन भागने के दौरान डाइव न लगाने का ताउम्र मलाल रहेगा। दरअसल ये किस्सा इंडिया टुडे के स्पेशल शो इंस्पिरेशन में हार्दिक पांड्या के इंटरव्यू के दौरान सामने आया। इस शो को बोरिया मजुमदार होस्ट करते हैं। हार्दिक से पहले इस शो में सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, विराट कोहली जैसे दिग्गज क्रिकेटरों का इंटरव्यू हो चुका है। इसी इंटरव्यू के दौरान मजुमदार ने हफ्ते भर पहले धोनी से हुई मुलाकात का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि धोनी कैसे आज भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रन आउट होने का मलाल रखते हैं। उस रन आउट की बात करते हुए उनके चेहरे पर अफसोस पसर जाता है। धोनी कहते हैं कि 2 इंच के फर्क से कितना कुछ छिन गया। धोनी के रन आउट होने से पहले टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा था? हार्दिक पांड्या ने बताया कि टीम को उम्मीद थी कि धोनी अंतिम ओवर में 15 से 17 रन आसानी से बना सकते हैं। हार्दिक ने कहा कि आखिरी ओवर जिम्मी निशम फेंकने वाले थे और 14 सालों से क्रिकेट खेल रहे धोनी को पता था कि वो क्या कर सकते हैं। धोनी का रन आउट होना मैच का सबसे बड़ा ट्रॉमा था। हर कोई शौक में था, सबके चेहरे लटके हुए थे, सब कुछ खत्म हो चुका था। हार्दिक ने यह भी बताया कि कई दिनों तक टीम के प्लेयर्स को नींद नहीं आई, उस झटके को भूलना आसान नहीं था। सेमीफाइनल में धोनी 49वें ओवर की तीसरी गेंद पर 2 रन चुराने के प्रयास में रन आउट हो गए थे। मार्टिन गुप्टिल का थ्रो धोनी के क्रीज में पहुंचने से पहले ही विकेट की गिल्लियां उड़ा चुका था और उसी रन आउट के साथ टीम का वर्ल्ड कप 2019 का सफर वहीं थम गया था। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए। थैंक यू। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किस्से, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको है बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।